हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में देखा था और आज हम आगे के टूल के बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले हम फाइल में जाके हमारा एक न्यू वर्क प्लेस ले लेते हैं, ठीक है। एंड जो बाय डिफॉल्ट वाला है उस पर जाके क्रिएट। ठीक है, और हम और एक वर्क प्लेस ले लेते हैं कंट्रोल प्लस एंड करके क्रिएट, और इसमें हम ब्लैक कलर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड ब्लैक हो। ठीक है, एंड ओके। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ गया है। एंड देन कंट्रोल प्लस ओ करके हम इमेज ले लेते हैं। सो यहाँ से मैं ये वाली इमेज एंड कंट्रोल के साथ ये दूसरी वाली इमेज पे मैं क्लिक कर रही हूँ एंड ओपन। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी दो इमेजेस आ गई है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट वर्क प्लेस, सेकेंड वर्क प्लेस एंड सेकेंड इमेज। ठीक है, ये हम ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है, एंड ये वाली इमेज हम क्लोज कर देंगे। एंड ये वाली इमेज हम ड्रैग करके हमारा जो फर्स्ट वर्क प्लेस था वहां पे लेके जाके इसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, एंड ये वाली क्लोज कर देते हैं। और ये हम कंट्रोल प्लस टी से इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ा देते हैं। ओके, एंड अप्लाई। सो ये हमारी इमेज सेट हो गई है। एंड अब हम सेकंड में जाएंगे और कंट्रोल प्लस टी करके हम इसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ा देते ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिकल पता चले। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, अब हम मैजिक टूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका यूज बेसिकली मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि जो भी व्हाइट बैकग्राउंड था वो पूरा सिलेक्ट हो गया है। सो इसका यूज बेसिकली यही होता है कि आपको एक साथ में काफी सारी चीजें सिलेक्ट करनी जिसका कलर सेम होता हो तो वो एक साथ में ही सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, एंड डिलीट, और ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे और ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसके यूज से हमारा जो व्हाइट वाला जो पोर्शन था वो हम लोगों ने डिलीट कर दिया। ठीक है, एंड कंट्रोल टी से हम इसकी हाइट एंड विड्थ कम कर देंगे। ठीक है, मूव पे क्लिक करके अप्लाई, और ये वाली इमेज को हम हमारी फर्स्ट वाली इमेज पे सेट करवा देते हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल टी से हम इसकी थोड़ी हाइट एंड विड्थ कम कर देंगे, और आपको ये जहां पे भी सेट करना हो आप वहां पे सेट कर सकते हो। ठीक है, सो हमने ये सिलेक्शन के बारे में देख लिया है। ठीक है, एंड अप्लाई। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने मैजिक टूल्स के बारे में देख लिया है।